हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये फ्लावर बनाना सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे इस फ्लावर को हम बार बार रिपीट करके एक हम नया एक मोटिफ तैयार कर सकते हैं। जैसे आप इस मोटिफ में देख सकते हैं, ये एक ही फ्लावर है, इसको हमने अलग अलग तरीके अलग अलग कलर से बना के इस तरीके से रिपीट किया है और ये एक पूरा एक हमारा एक डिज़ाइन तैयार हो गया, एक मोटिफ तैयार हो गया। और फिर इस मोटिफ को हमने रिपीट किया हुआ है तो ये एक हमारा बड़ा एक मोटिफ तैयार हो गया है। तो इस और इस फ्लावर में हमने दो स्टिच यूज़ किए हैं, स्ट्रेट स्टिच और ये फ्रेंच नॉट स्टिच। और पत्तियों के लिए हमने स्ट्रेट स्टिच और बीच में हमने स्टेम स्टिच यूज़ की है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। फ्रेंड्स, ये मैंने मल्टी कलर में बनाया है, आप चाहें तो आप इसको एक कलर में भी सारे फ्लावर्स बना सकते हैं। पहले हम ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट स्टिच यूज़ करेंगे। ये हमारे फ्लावर का आउटर पार्ट तैयार हो गया है। अब इसके बीच में हम ये दूसरा कलर यूज़ करेंगे। अब हम इसके जो हमने ये बीच में फ्रेंच नॉट बनाई है, इसके चारों तरफ यहाँ पर फ्रेंच नॉट बनाएंगे।
ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है और अब हम ये वाली पत्ती बनाएंगे। इसमें जो जो मिडल स्टेम है हमारी, उसको हमने स्टेम स्टिच से ही बनाया है। ये हमारा मोटिफ तैयार हो गया है। आइए देखें इसकी कुछ, इसको हम कैसे और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पूरा जो फ्लावर्स का बंच है, इसमें जो ये तीन वाला है, इसको हमने इस तरीके से, अगर आप कहीं पर बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको बार बार रिपीट करके इस तरीके से बॉर्डर बना सकते हैं। और ये जो एक फ्लावर है, इसको आप बूटे की तरह यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हैवी बनाना है तो पूरा तीन का जो बूटा है, आप इसकी जगह वो यूज़ कर सकते हैं साड़ी में या दुपट्टे में, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। हम सिर्फ बूटा और बॉर्डर ना देके कहीं पर इस तरीके से भी हम एक रैंडम तरीके से रैंडमली प्लेस कर सकते हैं इसको। जैसे इस पे शोल्डर पे दिया हुआ है, हम बाजू पे या कॉर्नर पे दे सकते हैं, बाजू की या साइड पे दे सकते हैं, कुर्ती के या कॉर्नर पे इस तरीके से बना सकते हैं। और ये बेबी फ्रॉक है, इसको हम पूरा इसके योक पार्ट में फिल कर सकते हैं या सिर्फ एक इस तरीके से, जैसे ये एक छोटा फ्लावर है उससे हमने लाइन बनाई है, हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।